दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। कहते हैं संपूर्ण आहार के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संपूर्ण आहार से ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर बनता है। चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे, सभी को संपूर्ण आहार की ज़रूरत है। लेकिन जागरूकता के अभाव में आज हम संपूर्ण आहार क्या है ये भूलते जा रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि संपूर्ण आहार क्या है, संपूर्ण आहार कैसे लें और कैसे इसके प्रति खुद को जागरूक करें। और इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं श्वेता जायसवाल जी, जो कि एक डाइटिशियन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम टोप्पो जी, नमस्ते, जो कि आशा कार्यकर्ता हैं, आशा संस्था में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल श्वेता जी से है। श्वेता जी, संपूर्ण आहार है क्या, कैसे हम इसका आकलन करेंगे? संपूर्ण आहार कहने का मतलब हो गया संतुलित आहार जी। इसमें हमारे शरीर में जो होता है आहार में, उसे पांच पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है। वो पांच पोषक तत्व जो होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वसा, इन पांचों के मिश्रण से ही हमारा आहार संपूर्ण होता है। हमारा थाली में जो होता है, कहते हैं तिरंगा खाना होना चाहिए, सफ़ेद भी होना चाहिए, पीला भी होना चाहिए और हरा भी होना चाहिए। जब तक इन तीनों का मिश्रण नहीं होगा, हमारा संपूर्ण आहार कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे वो नाश्ते में हो, दोपहर के खाने में हो या रात के खाने में, ये तीनों में हमें वो तिरंगा होना जरूरी है। जिसमें कि हम लोग कहते हैं सफ़ेद में तो रोटी या चावल हो गया, या मकई का आटा हो गया, या मड़ुआ का आटा हो गया। पीले में दाल हो गई या फिर अंडा हो गया। हरे में जो कहते हैं जितनी भी हरी सब्जियां होती है, वो सभी हरी सब्जियां में हमें उसको गिनते हैं। उसके बाद हम सलाद कहते हैं। सलाद में भी हम लोग पांच तरह के चीज़ों को मिलाकर, जिसे कहते हैं कि वो भी सतरंगी होनी चाहिए, तो वो सभी का मिश्रण जब हमारे थाली में होता है, वही हमारा संपूर्ण आहार होता है। वो हर उम्र के लोगों में, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, वयस्क हो या पुरुष हो, महिलाएँ हो, सभी को वो संपूर्ण आहार की ज़रूरत होती है। संपूर्ण आहार यानी संतुलित आहार अगर हम नहीं लेंगे, हम अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। पूनम जी, आप गांव में जाती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं, क्या ग्रामीण महिलाएं संपूर्ण आहार यानी पोषक तत्व के प्रति जागरूक हैं? हम लोग गांव में देखते हैं कि जो पोषक आहार कह रहे हैं, तो पोषक आहार को लेकर के महिलाएं जागरूक नहीं हैं। उनको पोषक आहार कहने से उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हमें खाने की ज़रूरत है, क्या हमें खाने की नहीं ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये कोशिश करते हैं ज़्यादातर, कि जिस तरह से श्वेता जी ने बताए हैं हम लोगों को, कि हम लोगों को तिरंगा भोजन कैसे खाने की ज़रूरत है, क्या हमें इसको सेवन कैसे करेंगे, तो उसको हम लोगों ने तिरंगा की तरह, जैसे हरा है, वाइट है और जो रेड है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको लाने का और ला करके महिलाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस किस कलर में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो उसको हम लोग बताते हैं, उसको चिन्हित करते हैं और महिलाओं को ये प्रैक्टिस कराते हैं कि इस तरह के भोजन को हम लोगों को सुबह शाम दोपहर खाने की ज़रूरत है और इसी से पोषण आहार कम्प्लीट होगा, ताकि उन लोगों की प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद ही वो खाना शुरू करती हैं और वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी खिला रही है और अपने परिवार को भी ये खिला रही हैं जी। श्वेता जी, हमारे देश में दिन प्रतिदिन कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके तहत पोषण अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी इसके प्रति जागरूक हों। शहरी महिलाएं पोषण अभियान को कितना समझती हैं और वो कैसे आपके पास आती हैं कि हाँ, हमें संपूर्ण आहार की ज़रूरत है, हमें बताइए हमारा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? शहरी महिलाएं किसी भी तरीके से जागरूक नहीं है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में जो महिलाएं हैं, वो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण उनके आहार में संतुलित आहार ना के बराबर रहता है। वो फास्ट फूड को अगर उनके वर्किंग कल्चर में देखा जाए, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक वो लोग काम करते हैं, तो घर का खाना तो वो बना ही नहीं पाते, जिसके कारण वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। जिसमें बाहर के खाने में भी रोटी चावल को अवॉइड कर, समय की कमी के कारण वो चाहते एक हाथ में हम खाना को पकड़े और एक हाथ से काम करें, तो जिसके कारण फास्ट फूड का कल्चर आजकल विकसित हो गया है। और इस फास्ट फूड के कल्चर में वो अपने संपूर्ण संतुलित आहार को कहीं पीछे छोड़ दिए हैं, जिसमें उनके पोषक तत्वों का उनके थाली में काफ़ी अभाव रहता है। और ये संतुलित आहार उनमें न लेने के कारण ही उनको विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो रही है, जिसमें आम समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है मोटापे की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की,
और अगर ये तीनों चीज़ है तो वो किडनी को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, हम उनको यही समझाते हैं कि अपने दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को में थोड़ा बदलाव लाएं। वो बदलाव ही उनके जीवन में स्वस्थ शरीर देगा। उस बदलाव के कारण ही अपना खाना जो होगा वो एक स्वस्थ खाना होगा, और वो खाना फास्ट फूड के कल्चर से थोड़ा समय निकाल कर अगर घर में आप कुकिंग करेंगे या बाहर भी खाते हैं तो रोटी चावल दाल सब्जी को ज़्यादा प्राथमिकता दे, जिसके कारण उन्हें एक संतुलित आहार मिलेगा और वो खाना सही होगा और उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पूनम जी, ग्रामीण महिलाएं ज़्यादातर देखा गया है कि वो जंक फूड से परहेज़ करती हैं। बहुत सारी महिलाएं जानती भी नहीं कि जंक फूड क्या है, बावजूद उसके उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी थाली में क्या क्या होना चाहिए। ये तो हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं के थाली में क्या होना चाहिए ये तो नहीं जानती है, वास्तव में नहीं जानती है। हालांकि हम लोग गांव स्तर पे देखेंगे तो उनके घर में ही बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, जैसे कि आपका घोड़ा चावल है जिससे आपका काफ़ी अच्छा वो होता है, साग, बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ का, वसा का चीज़ें हैं जैसे कि घर में ही मुर्गा है, मछलियाँ हैं, आपका लोकल जो खेत है उसमें भी बहुत सारे मछलियाँ हैं, घोंगी हैं, केकड़ा है, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इस सब को लेकर के ज़्यादा सेवन करती हैं महिलाएं तो, लेकिन भी वो लोग एक चीज़ का सेवन एक ही बार में करती है। जैसे कि अगर भात खा रही हैं तो दाल और भात, भात और आलू, ये दो चीज़ें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, दोनों एक समय वही चीज़ खा रही हैं तो उसका जो आहार है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह चीज़ ज़्यादातर खा रही हैं तो इसमें हो रहा है कि महिलाएं का जो कुपोषण का चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कुपोषण को अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे की भ्रांतियाँ भी हैं, जो जिस भ्रांति की वजह से महिलाएं काफ़ी जकड़ी हुई है, जैसे कि महिलाओं का जो पोषण जो आहार है उसको नहीं समझना, दूसरा है कि कई तरह से भ्रांतियाँ हैं उसको लेकर के बातचीत करना, जैसे रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी सोच है कि ये चीज़ खाने हैं ये चीज़ नहीं खाने हैं, उस सब चीज़ को लेकर के भी महिलाएँ काफ़ी ग्रस्त रहती है। दूसरा चीज़ है कि जैसे महिलाएँ प्रेग्नेंट हो गई तो हमको बहुत सारा चीज़ छोड़ देना है, जैसे प्रसव हो गया है तो प्रसव करने के बाद भी वो लोग एक सप्ताह या जब तक छठी नहीं होगा, जब तक उनका छुटका नहीं मिटेगा तब तक वो लोग सिर्फ भात, सिर्फ सूखा भात खाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं दिया जाता है, जैसे कि बच्चे बीमार हो जाएगा, महिलाओं को बहुत तरह बीमारी आ जाए, इस तरह से होता है। तो ये बहुत सारे जो भ्रांतियाँ हैं इस भ्रांतियाँ को लेकर के भी बहुत पड़ा हुआ है, जिससे कुपोषण हम लोगों का वो ख़त्म नहीं हो रहा, कुपोषण बढ़ते जा रहा है। हालांकि जितने भी चीज़ें संसाधन है उसको सही मात्रा में, सही वक्त में, सही चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग उसको देखेंगे कि अगर अपने ही खुद का एक बारी है, छोटा सा किचन गार्डन है, अगर किचन गार्डन की भी व्यवस्था हम लोगों को करवा रहे हैं कि अगर एक किचन में हम लोग बहुत सारे सब्जियां लगाएं और तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो सब अपने बगान में ही मिलेगा तो वहां से तोड़ करके वो ले सकते हैं और खा सकती है। लेकिन उनके साथ कभी हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कभी उसके सास नहीं सपोर्ट कर रही है, कभी बच्चे ही तो परेशानी है, वो भी है बच्चे, कभी कभी माताएं क्या हो जाता है कि वो गंदे हाथ है, हाथ का साफ सफाई नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी सीधा खा रही हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा अगर गंदगी कर दिया है तो गंदगी हाथ में कर दिया लेकिन दूसरे तरफ दूसरा काम हो गया तो महिला वहाँ चली जाती है तो भी बहुत सारा साफ सफाई नहीं हो रहा है। और आहार को भी लेकर के अगर हम लोग बच्चे को करेंगे, अगर बच्चा को खिला रहे हैं खाना तो हम अपने खाना बनाए हैं लेकिन बच्चे के लिए कभी खाना नहीं बना रही है गाँव में, वो बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि हम भात बनाए चाहे सब्जी बनाए हैं तो उसी का तीता लग गया तो उसी को हम लोग उसको धो करके खिला देंगे लेकिन अलग से खाना नहीं बनाते, ये बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं जो बच्चे के खाने का लाइक नहीं है। और बच्चे का दूरी, खाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे सुबह महिला खाई वो दोपहर में महिला नहीं खाती है, वो शाम के किब्र खाती है तो उतना ही समय बच्चे को खिलाती है। हालांकि अगर ये कहा जाए तो बच्चे को हर दो घंटा में एक नाप के अनुसार ही बच्चे को हर दो दो घंटा में खाने की देना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे हर वक्त भूखे है भूखे है। और कुपोषण का मतलब है लंबे स्तर पर भूखा रहना, कुपोषण का यही एक सही उदाहरण है। अगर वो कुपोषण को अर्जब करेगी और खाना रेगुलर खाएगी तो वो कुपोषण कम हो सकता है। आपने यहाँ पे किचन गार्डन की बात की है तो क्या है ये किचन गार्डन और आप लोग कैसे ग्रामीण महिलाओं को किचन गार्डन प्रोवाइड कराती हैं? हम लोगों ने पहले सोचा था कि कुपोषण का इतना हाई रेट कैसे जा रहा है, क्यों कुपोषण नहीं हो रहा है। अगर हम लोग एक पंचायत में 200 बच्चे के ऊपर हम लोग देखते हैं, नाप तोल करके देख रहे हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 70 से 80 बच्चा कुपोषण है, फिर वो कहाँ से आ रहा है। तो इसको लेकर के हमने देखा कि वास्तव में जो हमारा खान पान है वो खान पान में काफ़ी परिवर्तन है, काफ़ी दिख नहीं रहा है।
और जो चीज़ हमारे पास है वो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने जैसे रागी है जिसमें हम लोगों का आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे मड़ुआ समझ करके लोग थोड़ा ज़्यादा कि नहीं गांव का खाना है, गांव का चीज़ें हैं बोल के इग्नोर कर रहे हैं, उसको लगाना छोड़ दिए हैं। तब हम लोग गाँव से लेकर के भी हम लोग मड़ुआ दिए हैं, रागी दिए हैं, ताकि गाँव गाँव में सब खेती करें, तभी वो खेती कर रहे हैं। फिर उसको खाने का कई तरीका हम लोग बताए, जैसे हम लोगों गाँव में है कि महुआ है, महुआ एक आयरन का काफ़ी मात्रा वो देता है शरीर में, अगर एक महीना जो वीकनेस महिलाएं हैं जिसका ब्लड का कमी है अगर उसको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा हो पाता है, तो उसका भी हम लोग रस बनवाने का कोशिश किए हैं ताकि उसको वो पिए, ताकि उसका वो खून का कमी हो वो ख़त्म हो पाएगा। और दूसरी बात है कि जैसे महिला लोग कभी भी अपना हेल्थ चेकअप नहीं करती है, उसको पता ही नहीं होता है कि वो हेल्थ में मेरा शरीर में ब्लड है नहीं है, आयरन है नहीं है, पी हम बीमार है वो नहीं करते, जब तक वो बिस्तर में नहीं जाते तब तक नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग हेल्थ का काम कराने शुरू हैं। और किचन गार्डन को लाने का मकसद है कि अपने ही बारी में अपने ही किचन में हम लोग तरह तरह का सब्जी लगाएंगे ताकि हमको खरीदना ना पड़े, और हम लोग वहीं से ले करके अपने थाली में वो हमारा चीज जाए, जैसे सलाद हो गया, सब्जी हरी सब्जी हो गया, दाल हो गया, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तिरंगा भोजन अपने थाली में आ जाएगा तो उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा मकसद है कि लोगों को खेती सिखाना, और हम लोग यूरिया डीओपी जीच हैं उससे हम लोग लोगों को अलग कर रहे हैं, और अपने गोबर का खेत से ही उसको लोगों को खेती कराने का ये हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिससे महिलाओं का आहार है टेस्ट जो है वो हमेशा वही टेस्ट रहे, बना रहे, तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे भी खाएँ परिवार भी खाएँ, तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। श्वेता जी, देखा गया है कि एक उम्र के बाद किशोरियों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एक उम्र के बाद महिलाओं में भी हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस के कारण महिलाओं के स्वभाव में परिवर्तन आता है, लेकिन महिलाओं के खान पान में भी परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन महिलाएं ये बात समझ नहीं पाती, तो ऐसे में जब महिलाएँ आपके पास आती हैं तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करती हैं? महिलाओं में, किशोरियों में या महिलाओं के जो परिवर्तन आते हैं यूजुअली उनमें पीरियड्स के दौरान आती है, पीरियड्स में अनियमित दर्द होना हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो या फिर पीसीओडी जो आजकल के बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इन सब चीज़ों में महिलाओं के स्वभाव में परिवर्तन आते हैं जी। इनके लिए हम लोग कुछ फल हैं या कुछ सब्जियां हैं जो हम लोग खास करके उनको बोलते हैं कि आप उन्हें खाओ, जैसे कि सेब है, सेब में क्वेरसिटिन नामक एक कंपाउंड होता है जो मूड स्विंग करता है, इससे डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन कहते हैं जी। ये हैप्पी हार्मोन अगर रिलीज होगा, आप सेब जितना ज़्यादा खाओगे वो रिलीज करेगा तो आप खुश रहोगे, अदरवाइज क्या है कि आप वो जो मूड स्विंग होगा आप हमेशा उदास रहोगे, आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, आप हमेशा शांत रहोगे, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उससे मैं हम लोग या मूँगफली का दाना हो गया जिसमें हम लोग ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, वो भी मूड स्विंग हेल्प करने में मदद करता है। फिर बनाना है, बनाना भी हमारा मूड स्विंग करता है, चना है, चना के सत्तू हैं, उन सब चीज़ों से हमारे आहार में शामिल करने से मूड को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जी। पूनम जी, हार्मोनल चेंजेस की बात यहाँ पर हो रही है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण महिलाएँ समझ भी नहीं पाती कि हार्मोनल चेंजेस हैं क्या, उन महिलाओं को आप कैसे समझाती हैं कि हाँ अब आपको अपने आहार में परिवर्तन करना चाहिए? एक तो जो महिलाओं के साथ में हार्मोनल चेंज आ रहे हैं जी, तो वास्तव में गांव में हार्मोन क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में नहीं जानती महिलाएं जी। तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गांव में भाषा में बोल रहे हैं कि नहीं हम इतना उम्र के हो गए हैं, लड़की बढ़ रही है तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ रहे हैं, फिर जैसे महिलाएं लोग मंस हो रहा है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें में परिवर्तन आ रहा है, जैसे महिलाओं का प्रेगनेंसी है उसमें भी बहुत सारा जो है, तो बहुत सारे चीज़ें हार्मोन्स के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन गांव में हार्मोन्स नहीं समझते हैं। तो लोगों का एक बोलचाल की भाषा है कि ये जो परिवर्तन उम्र सीमा जो बढ़ रहे हैं और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके वजह से हो रहे हैं इस तरह से हैं। तो इसके लिए भी गांव में लोगों का क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं उस समय खान पान में हमको सुझाव हम लोगों को दिया जाता है,
तो उसको लेकर के ही हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को बताने का कोशिश करते हैं, जैसे कि महिलाएं का हार्मोन्स चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक सफ़ेद पानी की तरह आता है, तो उनको लगता है लोगों की बीमारी है, उस बीमारी से लोगों बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन क्या होता है कि वो जो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो हम लोगों का दही है, अगर हम लोग खाना में एक टाइम अगर हम लोग दही ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल है, वो ज़्यादा नहीं, वो कम नहीं, लेकिन वो होना है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो, कम मात्रा में लेकिन आना ही आना है, उसको लोग सोचते हैं कि बीमारी है। तो हम अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग दही लेंगे, चाहे दही का बैक्टीरिया वो उसको ख़त्म करता है, तो उसको लोग नहीं समझते, तो उसको हम लोग खाने का सजेस्ट करते हैं। दूसरा चीज़ें जैसे है कि बड़ी हो रही है लड़कियों के अंदर में सब चीज़ें, मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा हम लोग उसको ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि खान पान में साग वगैरह हम लोग थोड़ा खिलाने की कोशिश करते हैं, और जैसे सूखा साग हो गया, चाकोड़ साग हो गया, और बेंग साग हो गया, तो उस सबको भी हम लोग सूप बना के या जूस बना के हम लोग देने का कोशिश करते हैं, ताकि पेट का जो ठंडा है, जितने भी बीमारियां हो रहे हैं वो पेट के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हार्मोन्स वहीं बन रहे हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, तो पेट को कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग बताते हैं, तो ये हम लोग करने का कोशिश करते हैं, तो काफ़ी महिलाओं का राहत मिलता है, और जिसकी वजह से महिलाएं काफ़ी रिलीफ भी महसूस करती है, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस भी करती है, और वो अपने आप हम लोग सिखा रहे हैं तो सीख करके भी दूसरों को भी बताने का प्रयास कर रही है कि ये कैसे हो पाता है, हो पाएगा, और अपने घर में यूज कर रही है। अच्छा, कहते इस तरह हैं कि झारखंड में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है, झारखंड में जितने तरह के साग होते हैं वो अपने आप में आयुर्वेद और जड़ी बूटी का काम करते हैं। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां, सीजनल फल, जो कुछ भी हम कहते हैं, तो ग्रामीण महिलाओं को आप डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर कैसे बताती हैं कि हाँ सीजनल फल और सब्जी इनका जो ग्रहण करना इन्हें बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो सीजनल सब्जियों के प्रति और फलों के प्रति आप लोग कैसे जागरूक करती हैं उन्हें? हम लोग देखते हैं कि एक तो सही पोषण देश रोशन हम लोग उसको कहते हैं, और हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, और ये हमारा जीवन एक मिट्टी है जी। और हम लोग इस मिट्टी का उपयोग जितने भी जीवन को आगे चलाने के लिए, सिर्फ मिट्टी ही एक ऐसा मात्र है जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, और उसी में हमारा जीवन निर्भर है, हम खान पान को लेके जाएं या बीमारी को लेके जाएं या फिर अनेक बहुत सारे चीज़ों को भी लेके जाएं, जो जल जंगल जमीन है वही हमारा जीवन है, और उसी में हमको विलीन हो जाना है। तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारा सीजनली फल ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर हम जैसे जिस समय बरसात के दिनों में टमाटर नहीं होता है, अगर हम उस समय टमाटर खाएंगे तो वो केमिकल खा रहे हैं, जैसे कि अब ठंडा में अगर कोबी मिल रहा है तो ठंडा में ही हमको कोबी या फिर बहुत सारे चीज़ खाने की ज़रूरत है, अगर हम दूसरा सीजन खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए वो काफ़ी हानिकारक होता है, और वो हमको केमिकल से उपजाया हुआ चीज़, केमिकल से लाया हुआ चीज़ को हम लोग खा रहे हैं। जैसे अभी जंगल है, जंगल में अभी देख रहे हैं हम लोग खुखड़ी है, पुटका है, हम लोग जिसको देख रहे हैं, तो वो खुखड़ी और पुटका में काफ़ी मात्रा में आपका वसा है, उसमें प्रोटीन है, वसा है, तो हमारे काफ़ी उपयोगिता है, अगर हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर को नेचुरल कंट्रोल करता है। और जिस समय में जैसे कि बरसात हो गया, तो बरसात के सीजन में हमको बरसात का सब्जी ही खाना है, उसमें बहुत सारा सब्जी मिल रहा है, गर्मी के दिनों में गर्मी की ही चीज़ें ऐसे खाने की ज़रूरत है जो हमें हमारा नेचर देता है, और हमें ठंडे के दिनों में ठंडा में जो नेचर हमारा दे रहा है उसी चीज़ को हम लोग उपयोग में लाएंगे, तो हमारे शरीर को कंट्रोल करेगा, हमारा बीमारी से मुक्ति दिलाएगा, और हम बहुत सारे चीज़ों से वो दवा वगैरह ये सबसे परेशान हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शरीर एक मिट्टी से ही बना है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, और उसी के द्वारा ही हमारा शरीर को चलना है, तो हमको दूसरे चीज़ों को ला करके लाना, तो ये सब चीज़ें जब आ जाता है तो हमारे बीमारी का कारण बन जाता है, और हम उससे बहुत परेशान हैं, ग्रसित हैं, इस तरह से हो जाते हैं, तो यही हो रहा है। श्वेता जी, गर्भवती महिला का खान पान कैसा होना चाहिए? गर्भवती महिलाएँ हमारे भारत में जो है वो उनका खान पान देखा जाए तो बहुत कम होता है जी। वो अपने परिवार को देखभाल तो करती हैं लेकिन खुद का देखभाल नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनमें अनेक समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए महिलाओं को चाहिए कि पहले तो अपने आप को पानी कंटिन्यू रखें, तरल पदार्थ की मात्रा हमेशा बराबर रखें, सिर्फ प्लेन पानी ना पिएं, सूप, जूस, नींबू पानी, सत्तू पानी, ये सब लेते रहने से उनको पानी शरीर में कमी नहीं होगी। सत्तू लेने से प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी महिलाएँ जो गर्भवती महिलाएँ होती है खासकर में प्रोटीन की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। हमारे भारतीय आहार में प्रोटीन की मात्रा ऐसे ही बहुत कम रहती है, जिसके कारण बच्चे या महिलाएं हमेशा कुपोषित रहते हैं। हमें उनको चाहिए कि सुबह के नाश्ते में जो होता है, अगर शहरी महिलाएं हैं तो रोटी, सब्जी, दही,
उनके आहार में जरूर हो, मतलब हर मील में प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर ग्रामीण महिलाएं हैं तो रोटी सब्जी, और या तो रोटी को सत्तू भर के कर लें या फिर अंडा ले लें, तो उनसे प्रोटीन की मात्रा उन्हें मिलेगी। दोपहर के खाने में जाएंगे तो चावल दाल सब्जी या रायता या चिकन मछली अगर खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं। रात के खाने में फिर रोटी दाल, रात के खाने में कभी भी उनकी दाल की मात्रा नहीं होती है जिससे उन्हें प्रोटीन की कमी होती है, तो वो रात में भी उनको दाल चाहिए। और सोने से पहले एक गिलास दूध, अगर इतनी गर्भवती महिलाएं लेती हैं तो कहा जाता है कि 50 से 55 ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो एक गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए। अगर ये मात्रा कम होती है तो मदर के साथ, माँ के साथ साथ बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है, इसलिए खासकर गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात में कहें तो आयरन की कमी होती है। आयरन को पूरा लेने के लिए जैसे कि हमारे मैडम ने बताया कि साग की मात्रा, जैसे गंधारी साग कहते हैं या पालक का साग कहते हैं या बेंग का साग कहते हैं, उनका आहार में होना बहुत ज़रूरी है। ये खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो आयरन की कमी उनमें पाई जाती है, जो उन लोग टैबलेट नहीं लेते हैं, जो कहते हैं कि 1 ग्राम फॉलिफेयर टैबलेट लेना है तो वो टैबलेट को नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो आयरन को भी आहार से ही ले। अगर मांसाहारी हैं तो वो कलेजी ले, जिसमें कि आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जो भी खट्टे चीज़ हैं, कभी कभी खट्टे चीज़ जो होते हैं वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, वो विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के स्रोत को अपनाने में मदद करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, इसलिए उनका भी हमारे आहार में होना बहुत ज़रूरी है। जो रात के खाना कहें तो रोटी सब्जी और फिर उसमें एक प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए जो दाल का होता है, और सोने से पहले दूध होगा, तभी ये हमारा कंप्लीट संपूर्ण आहार होगा। कुल मिलाकर गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, जिसमें साबुत अनाज भी हो, दूध हो, दही हो, अंडा हो, मछली हो, सभी उनको आहार में शामिल करना चाहिए। एवं मौसमी फल, जो कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य पदार्थ, तभी हमारा वो संतुलित आहार होगा। मौसमी फल में भी सारे कुछ आते हैं, जो भी सीजन का जो भी आता है वही ले। जी पूनम जी, ग्रामीण महिलाएं देखा गया है कि जब गर्भवती होती हैं तो पहले के 3 महीने तो किसी भी महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो पहले के 3 महीनों में एक तो वो दवा नहीं लेना चाहती, तो दवा का काम ऐसा कौन सा आहार है जो करेगा, आप लोग क्या सजेस्ट करती हैं उन्हें कि पहले के 3 महीनों में इस तरह का भोजन आप लोगों को लेना चाहिए, कैसे जागरूक करती हैं? जो प्रेग्नेंट महिला हैं, 3 महीना जो है काफ़ी प्रॉब्लम है जी, उसको काफ़ी उल्टियां भी आने लगती हैं, वो बीमार भी रहती हैं, और वो पता भी नहीं चलता है उसको कि वास्तव में हम प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो पता भी नहीं चलता है जी। और वो जब तक चेकअप कराती तब तक 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाता है, जब तक वो और कुछ हम लोग सजेस्ट करेंगे चाहे इस तरह से करेंगे, तो उनको हम लोग ने ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किए थे कि गोड़ा का चावल है, अगर वो गोड़ा का चावल खा रही हैं या उसको बनाना है और उसको जैसे कि जो उसके पानी निकलता है, जो माड़ है, तो उसको हम लोग नमक हल्का डाल करके उसको सूप की तरह पीने के लिए बोल रहे हैं, ताकि वो सूप की तरह थोड़ा थोड़ा पीते रहेगी 2-3 बार, तो उसको उसका जो डाइजेस्ट है तो कंप्लीट हो जाएगा और वो उसको भूख नहीं लगेगा। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि मड़ुआ की रोटी को हम लोग उसको खाने का कोशिश बोलते हैं कि आपको दिन में एक ही रोटी खाइए, ज़्यादा नहीं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मड़ुआ की रोटी उसको खाने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ हम लोग ये कर रहे हैं कि साग है, किसी भी तरह का कोई साग दिन में एक बार खाए, कि उसको खाना ही है साग, कुछ ना कुछ साग को एक बार लेना है, उसको खाना ही है। और दाल जो आपका घरेलू दाल है, जैसे आपका देखिए कि आपका उड़द का दाल है, घंघरा बोदी है, आपका चना है, आपका चना का दाल है, तो इस तरह से घर में हो रहे हैं, राहड़ का दाल है तो घर में हो रहा है, तो आप इसको खाने का कोशिश कीजिए। अगर आप खा नहीं रहे हैं तो वो बोदी का जो बीज है उसको, बीज को उबाल करके या फुला करके वो थोड़ा थोड़ा खाए, तो इसका भी हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रोटीन उसमें है तो प्रोटीन उसको मिल जाता है। और हम लोग भी अलग से ही जो प्रेग्नेंट महिलाओं का हम लोग अभी देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और करीब 3-4 पंचायत में लोगों को, महिलाओं को देख रहे हैं, हर महीना कम से कम 100 महिलाएँ हमारे यहाँ आती है, उसको हम लोग जैसे चना हो गया, मूँगफली का हो गया, सोयाबीन का बरी है, गुड़ है, चिवड़ा है, दाल तेल है,
और बहुत सारे इस तरह से हम लोग आटा है, मड़ुआ का आटा है, हम लोग उसको देते हैं, उसको ये कोशिश करते हैं कि इसको आप ही को खाना है, ऐसे नहीं कि अंडा है, अंडा को बॉईल करके उसको एक डेली खाना है, तो इस तरह से हम लोग उसको बताते हैं ताकि वो अंडा थोड़ा हल्का नमक दे के खाती है तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है, प्रोटीन आयरन सभी की मात्रा उसमें चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग खाने का कोशिश करते हैं, आपको जिस तरह से खाए, चाहे उबाल के खाइए चाहे जिस तरह से खाइए, तो खाने का हम लोग उसको सिखलाते हैं तो उसको वो खा रही हैं और वो खाने के बाद में अच्छा हो रहा है। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि महिलाओं का जो बच्चा जन्म हो रहा था, बच्चा जन्म से लेकर के 1 किलो 1.5 किलो मतलब 1.25 किलो इस तरह से हो रहा था। अभी हम लोग महिलाओं को देख रहे हैं और हम लोग ने उनको अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आयरन टैबलेट भी दे रहे हैं और ये पोषण आहार दे रहे हैं, किचन गार्डन की व्यवस्था हम लोग ने किया है उनको और वहाँ से लोग ले रही है। तो अभी का आपको हम बता रहे हैं कि महिलाएं अभी 3.5 किलो 1.75 किलो बच्चा हुए हैं, तो इस तरह से हो रहा है, तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ पोषण अगर सही खाए, सही मात्रा में खाएं, तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा और वो एक अच्छा हो पाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी बताते हैं, जैसे कि महिलाएं का अर्ली मैरिज हो गया तो उसका काफ़ी परेशानी है, तो जिसका इसका अर्ली मैरिज हो जाता है उसको हम लोग ज़्यादा केयर करते हैं कि उसको कैसे हम लोग को लाने की ज़रूरत है, कैसे क्या कर, तो उसको भी हम लोग केयर करते हैं। तो इस तरह से हो रहा है, जिसका 2 बच्चा के अंतर नहीं है तो उसका तुरंत बच्चा हो गया, तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो बच्चा हो कुपोषण बच्चा ना हो, उसका सही बच्चा हो, इसलिए उसको हम लोग डाइट देने का कोशिश करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हमेशा हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं कि बच्चा का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। और हम लोग यहाँ सदर है, वहाँ से भी हम लोग कॉन्टेक्ट करके रखे हैं सर लोग के साथ में, वहाँ से भी यहाँ से जा रहे हैं, और हम लोगों का अमेरिका में कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं जो कि यहीं से गए हैं, और वो लोग हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि हर 2 महीना में बैठते हैं और उसको सजेशन देते हैं कि क्या खाने की ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या दवा है, क्या बीमारी है, उस सबके बारे में सब बताते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के साथ हम लोग काम करें तो काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे और जागरूक हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग हैं कि दवा नहीं लेती महिला, बुखार का दवा है तो प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, सब नहीं लेना है, उसको ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि गाँव में जो हमारा हर्बल प्लांट है, जिस प्लांट में बहुत सारा दवा है, तो उसी दवा को यूज करने के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे दस्त वगैरह हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको जैसे पुटकल का साग है उसको आप थोड़ा सा भिंगाइए, फिर उसको खौलाइए, फिर उसको झोर बना करके या सूप बना करके पीजिए, तो आपको खत्म हो जाएगा, जैसे आपका बुखार है जी, तो उस तरह से सब कुछ वो संभव हो सकता है, बीमारी भी खत्म हो सकता है, आप ही के पास उपाय है, तो ये हम लोग उसको कोशिश करते हैं बताने के लिए। बढ़ती उम्र की महिलाएं जो हैं वो किस तरह का आहार लें, मैं चाहूँगी कम शब्दों में आप उसे बता दें। वही संतुलित आहार है, तिरंगा खाना होना चाहिए, उनके खाने में संपूर्ण आहार उसी तरह से होगा जब वो तिरंगा खाना लेंगे। उनका सफ़ेद चावल, पीला दाल और हरी सब्जियां और साथ में सलाद रंग बिरंगा होगा, वो संपूर्ण आहार होगा। आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो कुल मिलाकर संपूर्ण आहार ही, संपूर्ण आहार संपूर्ण शरीर को एक तरह से जन्म देता है, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तो आपको संतुलित आहार और संपूर्ण आहार लेना ही होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि तिरंगा खाना यानी कि आपकी थाली में 5 पोषक तत्व जो हैं वो अवश्य होने चाहिए, तो आज से ही आप अपनी थाली में ये 5 पोषक तत्व ज़रूर शामिल कीजिए, तभी आप स्वस्थ बन पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।